Top story at this outrage over BJP MP Bidhuri's abusive remarks and that too inside Parliament. MP Ramesh Bidhuri's controversial statements against BSP MP Danish Ali has given ammunition to the opposition parties. Training its guns at the centre, the opposition from the Congress to AAP to TMC are seeking suspension of the Delhi BJP MP. The controversy is likely to further snowball as BSP is demanding expulsion of Bidhuri from the BJP as well. The BJP has issued a show cause notice to Bidhuri for his use of very, very objectionable language and words against BSP MP Danish Ali in Lok Sabha during a discussion on the Chandrayaan mission success. Slamming India alliance leaders, the Saffron clan went on to say that opposition leaders have always abused the Prime Minister, but no action has been taken against them. Issuing a clarification over the issue, BJP MP Ravi Shankar Prasad and Dr. Harshvardhan went on to say that their party doesn't support indecent comments made by Ramesh Bidhuri, but these were the leaders who were laughing when these comments were being made. Listening to, in fact, BSP's MP Danish Ali in conversation with Rajdeep Sardesai over the anti-Muslim slurs made by Ramesh Bidhuri against him in Lok Sabha. A pimp, a terrorist, and worse. Those are just some of the abusive languages, some which we cannot repeat on the show, that were used by a member of parliament. My newsmaker tonight is the man who was subject to them. Danish Ali joins me, BSP MP. Danish bhai, first thing, मैं कहना चाहता हूं जिस प्रकार की भाषा आपके खिलाफ इस्तेमाल हुई है वो शर्मनाक है वो देश ने देखी है और मैं कह रहा हूं कि हम आपके साथ हैं इसमें कि जो भाषा हुई है अनएक्सेप्टेबल पर ये हमें बताइए आप किस तरह से इसे अब देख रहे हैं आपने एक चिट्ठी लिखी है यू हैव रिटन अ लेटर टू द स्पीकर आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं क्या करना चाहते हैं आप मैं तो राजदीप कल रात से सो नहीं पाया और मैं तो ये सोच रहा हूं क्या आरएसएस की शाखाओं में यही पढ़ाया जाता है क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में यही पढ़ाया जा रहा है क्या अभी तक इस तरीके की हेट स्पीचेस सड़क पर होती थी भाजपा के नेता बाहर करते थे और उनको प्रमोशन मिलता था शायद वही कंपटीशन चल रहा है मेरे पास तो अल्फाज नहीं है अमृतकाल क्या ऐसा अमृतकाल होगा लेकिन दानिश अली जिस तरह से ये शब्द का आपके खिलाफ हुआ क्या कोई प्रोवोकेशन हुई थी क्या है इसकी बैक स्टोरी इसके पहले क्या आप और रमेश बिदुरी जी के बीच में कोई मतभेद थे कोई झगड़े हुए थे ये जिस तरह की भाषा हुई है इसकी कोई बैक स्टोरी क्या है राजदीप हर चीज रिकॉर्ड पर है रमेश बिदुरी जी जब बोल रहे थे तो उनका भाषण रिकॉर्ड पर उन्होंने कुछ ऐसा रेफरेंस यूज किया प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अनपार्लियामेंट्री था सर मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं आप इस तरीके का अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं कर सकते स्पीकर महोदय इसको एक्सपंज करें नहीं रिकॉर्ड निकलवाया जा सकता है रिकॉर्ड है सब चीज का उस पर वो प्रवोक हो गए और पार्लियामेंट की का इशू है उसमें मैं ये स्पीकर का की जिम्मेदारी है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ संसद एक ऐसी संस्था है जो देश में सबसे पवित्र सबसे सुरक्षित संस्था है अगर वहां भी किसी सांसद के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा गाली नहीं बल्कि सांप्रदायिक गाली दी जाएगी तो ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है लोकसभा अध्यक्ष जी से हमारी गुजारिश है कि आप कार्रवाई करिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सबका साथ सबका विकास का जो आपका नारा है उसकी अगर लाज बचानी हो तो चुप्पी तोड़िए जेपी नड्डा जी से मेरा अनुरोध है कि अपने ऐसे गाली बाज सांसद पे कार्रवाई करिए व्हेन यू आर कॉलिंग समवन अ और व्हिच अपेरेंटली मींस समवन हु इज
and you're saying mullah, that is a religious slur. That takes it one more than unparliamentary. That is a hate speech. There's a big difference. Please understand this. This country, the BJP has reduced this country to such a point that there's no nuance left anymore. Right? So some things are objectionable. Some things are unparliamentary. I don't mind taking it on my chin that, yes, I've called him a but between that and between calling someone a mullah terrorist or is mullah ko bahar phek do, there is a very big difference. This is hate speech. We are not just talking unparliamentary. The problem is that the BJP under Mr. Narendra Modi has reduced India to such a point where we have 200 million Muslims, OBCs and Dalits living in fear, where even if something like this happens, everybody is saying chalta hai, chalta hai, chalta hai. Right? So this is beyond shameful. And I have absolutely no problem in calling out the Honorable Speaker. He keeps saying, garima, ghar ka, Lok Sabha ka garima bajaye rakhe, maryada. Where is your maryada, sir, now? Where is your garima? You are maryada purush, you are garima purush. He's only given a verbal warning to Biduri. Bharatiya Janata Party ke केवल एक नेता के ऐसे विचार नहीं हैं। अगर हम पुराना उठा करके देखें तो बहुत सारे नेता ऐसे मिलेंगे जिन्होंने न जाने कितनी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में उन्होंने टिप्पणियां की हैं। इनको हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा देनी चाहिए, पूरी पाबंदी इन पर हो, जिससे कि ये चुनाव भी न लड़ पाए। ऐसी पाबंदी लोकसभा को इनके ऊपर लगानी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब लोकतंत्र के मंदिर में सदन में जब इस तरह का भाषाई आतंक फैला रहे हैं और इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं एक माननीय के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तो इस पर बोलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि आखिर समाज को, देश को आप किस ओर ले जाना चाहते हैं, क्या संदेश दे रहे हैं आपके माननीय सांसद।